इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है हॉली नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो अपने फादर और दोनों भाई बहनों के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। हॉली के फादर अपने दोनों बच्चों को खाना परोसते रहते हैं, लेकिन वो हॉली को एकदम से नजरअंदाज करके उसे खाना ही नहीं दे रहे थे। दरअसल बात ये थी कि हॉली कुछ टाइम पहले एकदम से इनविजिबल हो चुकी थी। उसे कोई भी देख नहीं सकता था अपने मॉम के सिवाय, क्योंकि हॉली की मॉम ही एक ऐसी इंसान होती है जो अपने बेटी को महसूस कर सकती थी। हॉली की मॉम वहाँ आने पर उसे भरपेट खाना खिलाती है। हॉली को तो इस तरीके से कोई भी इंसान नहीं देख सकता था, पर चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी मॉम के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहती। बट समय के साथ साथ हॉली की मॉम की भी तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि उन्हें भयानक कैंसर हो चुका होता है। कुछ ही सालों के अंदर ही अंदर हॉली की मॉम भी मर जाती हैं। अब वो पूरी तरीके से अकेली हो गई थी, क्योंकि ऐसा अब कोई भी इंसान नहीं है जो उसे महसूस करके उसे समझ सके। हॉली अपने फादर और भाई बहनों के साथ तो मौजूद थी, लेकिन कोई भी उसे देख ही नहीं सकता था। यानी कि एक तरीके से वो उन तीनों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। स्कूल में जब हॉली पढ़ने जाती तो कोई भी बच्चा उसे देख कर रिएक्ट ही नहीं करता। हाँ, सभी को सिर्फ इतना पता होता है कि हॉली नाम की एक लड़की उनकी क्लास में पढ़ती है। इन्हीं सारी अजीब चीजों की वजह से हॉली बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया और हॉली अब काफी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके फैमिली वालों ने उसके कमरे को एक स्टोर रूम में कन्वर्ट करके रख दिया था, क्योंकि वो नहीं समझते थे कि हॉली उनका फैमिली मेंबर भी है। हॉली के बड़े भाई को वीडियोग्राफी का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसीलिए उसने बेसमेंट में अपना पूरा सेटअप बिठा कर रखा होता है। हॉली की बहन ने शादी कर ली थी और वो अपने हस्बैंड के साथ खुश थी, और वहीं हॉली के फादर अभी भी अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। हॉली अपने फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसे सिर्फ एक बात गलत लगती है कि वो उनके साथ नहीं है। अब हॉली को ये तो पता चल गया था कि कोई भी इंसान उसे देख नहीं सकता, तो उसने अपनी इस इनविजिबिलिटी का फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। दरअसल वो बहुत सारे न्यूज चैनल के लिए एक इनविजिबल रिपोर्टर का काम करती थी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अफेयर्स और ब्रेकिंग न्यूज की फोटो लेकर न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी को भेज देती थी, और उसके बदले हॉली को काफी सारे पैसे मिलते थे। हॉली ने तो अब बिल्कुल भी शर्म करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता तो वो इतना डिसिप्लिन क्यों मेंटेन करे। कई बार तो वो बिना कपड़ों के ही पब्लिक प्लेस में घूमने लग जाती है, क्योंकि उसे डर ही नहीं होता कि कोई उसे देख लेगा। इसी तरीके से चुपके चुपके वो लोगों के फोटो लेती और उन्हें काफी अच्छे दाम में बेच देती। यानी कि हॉली एक तरीके से अपने इनविजिबल होने का फायदा उठा रही है। अब हॉली हमेशा की तरह कुछ पिक्चर्स लेने के लिए क्लब के अंदर चली जाती है। वो चारों तरफ घूम रही थी कि उसे कहीं सेलिब्रिटीज मिल जाए और वो उनकी पिक्चर लेके भेज दे, पर तभी उसकी टक्कर एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम शेन होता है उससे हो जाती है। ताज्जुब की बात ये थी कि शेन हॉली को पूरी तरीके से देख पा रहा था। वो हॉली से कहता है कि तुम किसी भी हालत में अंदर नहीं जा सकती। हॉली पूरी तरीके से चौंक गई थी कि ये आदमी उसे कैसे देख सकता है। अपनी मदर के बाद उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उसे देख सके, इसीलिए अब हॉली थोड़ा शेन से बातचीत करने की कोशिश करने लगती है कि वो उसके बारे में कुछ जान सके। लेकिन शेन ने हॉली को साफ साफ मना कर दिया था, वो तो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब हॉली कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार शेन उसे कैसे देख सकता है। साथ ही साथ हॉली को शेन का चेहरा कहीं जाना पहचाना लग रहा था। जब वो थोड़ी मैगजीन पढ़कर देखती है, तब हॉली को पता चला कि शेन उन्हीं लोगों में से है जो एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशनशिप में पकड़ा गया था, और उसकी फोटो और किसी ने नहीं बल्कि हॉली ने खींचकर रिपोर्टिंग कंपनी को भेज दी थी। अब हॉली शेन के बारे में और भी डिटेल में जानना स्टार्ट कर देती है, जिसमें कि हॉली को पता चला कि शेन एक बहुत ही प्रोफेशनल एमएमए प्लेयर था, जिसने सभी को फाइटिंग में हराकर एकदम टॉप पर अपनी जगह बना ली थी। इतनी ज्यादा नाम और शोहरत मिलने के बाद शेन को सभी लोग जानने लगे थे। उसका तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल से रिलेशनशिप भी चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ एंट्री होती है हॉली की, जिसमें कि उसने इनविजिबिलिटी का फायदा उठाकर शेन और उसकी गर्लफ्रेंड की कई सारे फोटोज लीक कर दिए थे, और ये फोटोज बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं। जब ये सारी चीजें रिपोर्टिंग कंपनी ने पब्लिश की, तब शेन की बहुत ही ज्यादा बदनामी होने लगी। शेन के सभी फैंस उससे नफरत करने लगे थे। ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इन सारी चीजों की वजह से शेन और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप भी हो जाता है। शेन इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था कि वो अपनी फाइट ठीक से लड़ भी नहीं पाता, और इंटरनेशनल मैच इतनी बुरी तरीके से हारने के कारण उसे आगे कोई मैच खेलने के लिए बुलाता ही नहीं। तब से शेन की नाम और शोहरत की गिरावट चालू हो गई थी। देखते ही देखते लोग उसे भुलाने लगे थे और उसे काम मिलना बंद भी हो जाता है, और आज शेन एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। हॉली को ये साफ साफ पता था कि शेन के साथ जो भी चीजें हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती की वजह से हुई हैं।
अगर वो इनविजिबल होकर फोटोज ना खींचती तो शेन की ये हालत भी नहीं होती। इसीलिए अब हॉली ने डिसाइड किया कि वो शेन को किसी भी तरीके से उसकी नाम और शोहरत वापस दिला कर रहेगी। हॉली अब सीधा शेन के पास चली जाती है जो बता रही थी कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। हॉली ने तो शेन को मैगजीन दिखाते हुए सारी चीजें बता दी होती हैं कि मेरी वजह से ही तुम्हारी ये हालत हुई है और अब मैंने डिसीजन लिया है कि मैं तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस लौटा कर दूंगी। शेन को तो लग रहा था कि हॉली बेतुकी और मजाक की बातें कर रही है, इसीलिए वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन हॉली रिक्वेस्ट करने लगी थी कि एक बार तुम मुझे मौका दो अपनी काबिलियत साबित करने का, बट शेन के पास इन सारी चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो तो सीधा एक क्लब में आ जाता है अपने मैनेजर से मिलने के लिए ताकि वो दूसरी फाइट अरेंज करके उसे कुछ पैसे दे सके। हॉली भी अब उसके पीछे पीछे आ गई थी। शेन का मैनेजर अब नेक्स्ट फाइट के लिए अरेंज करता है और उससे मिलने वाले पैसों के बारे में बताता है। हॉली भी अब शेन के मैनेजर के काफी पास जाकर उसका मोबाइल चेक करने लगी थी कि वो किस टाइप की डील और पैसे सेट कर रहा है। शेन बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मेरा मैनेजर हॉली को देखकर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। वो ये सारी चीजें काफी ज्यादा वियर्ड लग रही थी उसे। अब मैनेजर ने शेन को फाइट की डेट बताई और उससे मिलने वाले पैसे के बारे में बताया, बट हॉली ने पीछे से सारी चीजें देख ली होती हैं और वो शेन को कह रही थी कि तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें कम पैसे बताए हैं। वो तो शेन को एग्जैक्ट मनी अमाउंट बताती है जिससे कि फाइट करने पर उसे उतने पैसे मिलेंगे। शेन भी अपने मैनेजर को इस बात के ऊपर बोलने लगा था। मैनेजर चौंक जाता है कि आखिरकार शेन को इन सारी चीजों के बारे में पता कैसे चला। अब पोल खुलने के बाद तो मैनेजर को वही सेम अमाउंट शेन को देना पड़ेगा, यानी कि हॉली ने शेन की एक तरीके से काफी मदद कर दी। बाहर आने के बाद शेन को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हॉली सच में किसी दूसरे को दिखाई नहीं दे सकती, पर यहाँ शेन को अभी भी पूरी तरीके से भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हॉली सच में इनविजिबल है। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए हॉली एक कार के सामने आ जाती है जो लगातार उसके पास आते जा रही थी और अगर जरा भी देरी हुई तो कार हॉली को टक्कर मार देगी। इसीलिए शेन जल्द से जल्द जाकर हॉली को बचा लेता है। ड्राइवर ने तो शेन को देखकर अपनी गाड़ी रोक दी थी और उसे ही डांटने लगा था कि तुम कार के बीच में क्यों आए, यानी कि ड्राइवर ने हॉली को बिल्कुल भी देखा ही नहीं होता। और अब इन सारी चीजों से शेन को भी भरोसा हो चुका था कि हॉली इनविजिबल है। हॉली कह रही थी कि तुम मुझे देख सकते हो, इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ही, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बहुत देर तक सोचने के बाद शेन हॉली से कहता है कि कल तुम मेरे घर पर आओ, हम आगे की बातें वहीं पर करेंगे। हॉली भी इस बात के लिए मान जाती है। अब अगले दिन हॉली डायरेक्टली शेन के घर पर चली गई थी। शेन की एकदम अच्छी बॉडी देखकर तो हॉली के होश ही उड़ गए थे। शेन के घर में एक कुत्ता मौजूद होता है जिसे भी हॉली दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि उसने जरा भी भूखा ही नहीं। शेन भी इस बात को नोटिस करता है और समझ जाता है कि ये सच में इनविजिबल है जो मेरे अलावा बाकी लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। अब शेन हॉली के साथ बात करने के लिए थोड़ा वॉक करने के लिए निकल पड़ा था। रास्ते में शेन हॉली को अपने बारे में कुछ बताता है। शेन बता रहा था कि बचपन में मेरे स्टेप फादर ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया और तब से ही मैं अकेला भटकने लगा। मैंने इस जगह पर बहुत ही मुश्किल तरीके से सरवाइव किया है, इसीलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने तब से ही फाइटिंग चालू कर दी और आज तक मैं फाइटिंग कर रहा हूँ क्योंकि फाइटिंग करना ही मेरी जिंदगी है। अगर वो नहीं रहेगा तो मैं अच्छे से जी भी नहीं पाऊंगा। अब हॉली शेन की एक छोटी सी फाइट देखने चली गई थी जिसका प्राइज मनी सिर्फ $300 था। हॉली को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि शेन जो कि बड़ी बड़ी एमएमए फाइटिंग किया करता था वो $300 के लिए एक स्ट्रीट फाइट कर रहा है। शेन वो फाइट जीत गया था और उससे $300 मिल जाते हैं, लेकिन हॉली शेन से कह रही थी कि तुम ये छोटी मोटी फाइट क्यों लड़ रहे हो, तुम्हें तो बड़े बड़े फाइटर्स के साथ लड़कर अपनी इज्जत वापस लेनी चाहिए। बट शेन उसे जवाब देता है कि कोई भी फाइटर्स मुझसे लड़ना ही नहीं चाहता और अगर तैयार भी हो जाता है तो ऑडियंस मेरी बदनामी के कारण मेरे टिकट्स लेगी ही नहीं, जिससे कि कोई भी ऑर्गेनाइजर्स मुझे बुलाते ही नहीं। इस बात से शेन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। हॉली तो अब किसी भी तरीके से शेन की मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो थोड़ा रिसर्च करने लगती है बड़े बड़े फाइटर्स के बारे में। तभी हॉली को एक फाइटर के बारे में पता चला जो रिसेंटली ड्रग्स केस में अंदर गया था, लेकिन बहुत सारे कॉन्टेक्ट होने के कारण उसे बाइज्जत बली कर दिया गया। अब हॉली उन सारे ड्रग्स के बारे में पता करती है जो उस फाइटर ने कंज्यूम किए थे और अब उसने बड़ी चालाकी से काफी सारी इन्फॉर्मेशन जमा करके और तो और अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाकर उसने उस फाइटर की काफी सारी फोटोज भी ले ली थी। हॉली तो अब उस दूसरे फेमस फाइटर को ब्लैकमेल करने लगी होती है कि अगर तुम शेन से फाइट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सारा काला चिट्ठा सभी के सामने खोल दूंगी।
यानी कि अलग अलग टाइप के ड्रग्स कंज्यूम करने की फोटोज जो हॉली ने उसी के घर पर जाकर ली थी। इन सारी चीजों से वो फेमस फाइटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब शेन यहाँ पर हॉली से अपने कुछ पुराने दिनों की बातें कर रहा था कि कैसे उसने बड़ी मेहनत करके इतने सारे मैचेस जीते और टॉप लेवल का एमएमए फाइटर बन गया। तभी शेन को एक कॉल आती है जो और किसी की नहीं बल्कि उसी फेमस फाइटर के मैनेजर की थी। उसने शेन से कह दिया होता है कि हमारा फेमस फाइटर तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है और ये एक ग्रैंड प्रीमियर होगा जिसमें कि कई सारे लोग आएंगे। शेन इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे एक चांस मिल ही गया। ये वही फाइटर था जो कुछ समय पहले शेन को एकदम से मना कर रहा था, पर अब वो हॉली की ब्लैकमेलिंग और धमकी के कारण मान जाता है शेन से फाइट करने के लिए। शेन के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और अब सारी चीजें छोड़कर वो अपने मैच की तैयारी करने में बिजी हो जाता है। इस पूरे फाइट की चारों तरफ बड़ी बड़ी चर्चाएं होने लगी थी, इसीलिए अब शेन भी अपनी ट्रेनिंग डबल कर देता है ताकि वो इस मैच को जीत सके। अब यहाँ पर वो दिन भी आ चुका था जब शेन की फाइट उस फेमस फाइटर से होगी। सभी लोग उस फेमस फाइटर को ही चीयर कर रहे थे क्योंकि किसी को भरोसा ही नहीं होता कि शेन जीत पाएगा। फाइट चालू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। हालांकि यहाँ हॉली को शेन की फाइट काफी पास से देखनी थी, बट वहाँ काफी ज्यादा लोग थे इसीलिए हॉली ने टीवी पर ही ये मैच देखने का डिसीजन लिया। ये फाइटिंग मैच काफी लंबा खींचा चला जाता है जिसमें कि शेन काफी अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहा था और अब अंत में रिजल्ट के दौरान पता चला कि शेन ने ये फाइट जीत ली है। हॉली भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। शेन के ऊपर जो गंदा नाम उछला हुआ था वो अब धीरे धीरे कम होने लगता है, लोग उसे फिर से पसंद करने लगे थे। शेन जब अपना मैच खत्म करके घर पर आया तब हॉली बाहर की तरफ ही एकदम अच्छे से बैठी हुई थी। शेन हॉली को थैंक यू कहता है कि शायद तुम मेरी गुड लक हो जिससे कि मेरे साथ अच्छी चीजें हो रही हैं। हॉली भी शेन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद शेन ने हॉली से पूछ लिया कि आखिर तुम्हारे इनविजिबल होने का राज क्या है, तुम आखिर किस वजह से इनविजिबल हो गई। लेकिन यहाँ हॉली को लगने लगा कि ये सवाल पूछकर शेन उससे बदतमीजी कर रहा है क्योंकि ये सवाल तो आज तक उसकी मॉम ने नहीं पूछा था। हॉली इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन शेन उसे समझाने लगा कि मेरा ऐसा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। हॉली जैसे ही वहाँ से जाती तभी शेन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से किस करने लगा, यानी कि एक तरीके से शेन हॉली से प्यार भी करने लगा होता है। लेकिन उन दोनों के इस अच्छे मोमेंट को किसी रिपोर्टर ने अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया था जो उनकी बहुत सारी फोटोज खींचने लगता है। शेन ने जब उस कैमरामैन को देखा तब वो लगातार उसका पीछा करने लगा था, बट तब तक कैमरामैन अपनी सारी फोटो क्लिक करके वहाँ से भाग गया होता है। हॉली शेन को समझाते हुए ये कह रही थी कि मैं तो इनविजिबल हूँ, यानी कि मैं कैमरा में आई नहीं होंगी, इसीलिए तुम जरा भी टेंशन मत लो इन सारी चीजों का। शेन भी हॉली के समझाने पर थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन अगले दिन हॉली ने न्यूज़पेपर के अंदर शेन की उस पिक्चर को देखा जिसमें कि उसकी शैडो लिटरली चांद के रोशनी के सामने दिखाई दे रही थी। हॉली मन ही मन खुश हो जाती है कि शेन के साथ उसकी शैडो एटलीस्ट दिख रही है दुनिया वालों को। ये खबर चारों तरफ फैल गई थी कि शेन एक शैडो गर्ल को डेट कर रहा है और उसे किस भी कर रहा है। शेन का नाम जो बदनाम हुआ था अब वो फिर से सुर्खियों में चलने लगता है, बट किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो शैडो वाली गर्ल कौन है। अब शेन के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उसे अलग अलग फाइट से ऑफर आने लगे थे। इसी तरीके से वो एक इंटरनेशनल फाइट होने से पहले एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद होता है, बट सारे रिपोर्टर शेन से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार वो शैडो वाली लेडी कौन है जिसे कि आपने किस किया था। शेन इन सारी बातों से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया होता है, इसीलिए वो जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला गया था। हॉली तो एक और फाइटर के पास आकर उसे ब्लैकमेल कर रही होती है कि वो शेन के साथ जाकर फाइट करे, नहीं तो वो उसकी कल रात की सारी पिक्चर्स को रिवील कर देगी जब उसने एक लेडी के साथ रात गुजारी होती है। हॉली तो उस फाइटर के कार में ही मौजूद थी लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था। हॉली का कहना होता है कि तुम शेन से जाकर फाइट करोगे और इस मैच में तुम्हें हारना होगा। अब इतना ज्यादा ब्लैकमेल करने के कारण वो फाइटर रेडी हो जाता है इस फाइट को शेन के साथ हारने के लिए। अब यहाँ हॉली और शेन काफी सारी बातें करके रास्ते में जा ही रहे थे तभी शेन को अचानक उसी मॉडल का कॉल आता है जिसके साथ उसका पहले रिलेशन हो चुका था। वो मॉडल शेन को उसके मैच जीतने की खुशी में काफी बधाइयां दे रही थी, साथ ही साथ उसे हौसला दे रही थी कि आगे के भी सारे मैच वो जीत जाएगा। हॉली को तो देखने पर साफ साफ पता चल रहा था कि वो मॉडल कहीं ना कहीं शेन की लाइफ में वापस आना चाहती है, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा जल रही थी क्योंकि अब हॉली कहीं ना कहीं शेन से काफी ज्यादा प्यार भी करने लगी है। वो नहीं चाहती कि शेन उसकी जिंदगी से दूर जाए। अब होने वाले नेक्स्ट मैच के अंदर शेन ने वो फाइट काफी अच्छी तरीके से जीत ली थी क्योंकि हॉली ने तो पहले ही दूसरे फाइटर को ब्लैकमेल कर दिया था कि उसे हारना है।
धीरे धीरे शेन की इज्जत उसे वापस मिलती जा रही होती है। अब हॉली शेन की और भी ज्यादा मदद करने के लिए एक बहुत ही फेमस फाइटर जिसका नाम अटीला था, उससे शेन की फाइट कराने के लिए सारी मुमकिन कोशिश करने लगी। हॉली तो डायरेक्टली उस फाइटर यानी कि अटीला के घर पर चली गई थी कुछ चीज ढूंढकर उसे ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि अटीला के मैनेजर ने जब ये कहा कि उसे शेन से फाइट करनी है तब अटीला तुरंत ही मना कर देता है। हॉली इनविजिबल होने के कारण अटीला का पूरा घर छान मारती है, लेकिन उसे ब्लैकमेल करने की कोई चीज मिली ही नहीं। अब यहाँ हॉली को अपने घर वाले की थोड़ी सी याद आने लगी थी, इसीलिए वो तुरंत ही अपने घर पर जाती है और सारी चीजें देखती है कि उसके फैमिली वाले कैसे हैं। तभी पता चला कि उसकी बड़ी बहन प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताना नहीं चाहती। उनके बीच काफी तनाव का माहौल चल रहा होता है। अब यहाँ हॉली जब वापस शेन से मिलने के लिए एक क्लब में गई, तब वो देखती है कि शेन उस मॉडल के साथ ही बैठा हुआ है और उससे बातें कर रहा है, यानी कि शेन भी उस मॉडल के साथ रिलेशनशिप नया बनाने के लिए तैयार है। हॉली को ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा दिल पर लग जाती हैं, इसीलिए वो वहाँ से चली गई थी। शेन हॉली को मनाने जाता है कि तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो, भले ही हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं उस मॉडल से प्यार करता हूँ और उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम मेरा गुड लक हो, इसीलिए तुम मुझसे दूर मत जाना। लेकिन अब हॉली शेन की एक बात नहीं सुनना चाहती थी और वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। हॉली ने तो अब टीवी पर भी देखना स्टार्ट कर दिया था कि शेन और वो मॉडल एक साथ हो चुके हैं और शायद आगे चलकर शादी भी कर लें। हॉली का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि वो इस गम में बहुत सारे ड्रग्स और नशे करने लगी होती है। उसे कुछ नहीं समझ रहा था कि वो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करे। अब एक दिन खुद शेन हॉली से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है, जो नशे में एकदम धुत थी। शेन हॉली को समझा रहा था कि तुम प्लीज अपने आप को संभालो, क्योंकि लाइफ में जल्द से जल्द मूव ऑन कर लेना चाहिए। शेन तो हॉली को समझा रहा था, लेकिन हॉली उसके पास जाकर उसे बड़े प्यार से किस कर लेती है। बट शेन उसे बताता है कि हमारे रास्ते अब अलग हैं, इसीलिए तुम अपने इनविजिबल होने का राज पता करो और जल्द से जल्द इससे छुटकारा पालो। ये कहते ही शेन वहाँ से चला जाता है, लेकिन हॉली का दिमाग इससे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। वो तो आउट ऑफ कंट्रोल होकर घर की सारी चीजें फेंकने लगी होती है। उसने इतना ज्यादा नशे कर लिए थे कि वो डायरेक्टली अगले दिन ही उठी, लेकिन हॉली को तो अपनी बॉडी शीशे में खुद ही नहीं दिखाई दे रही थी। वो तुरंत ही शेन के पास जाती है, तब एक शॉकिंग रियलिटी उसे पता चली कि शेन भी अब उसे नहीं देख पा रहा, यानी कि एक तरीके से वो अब इस पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं दिखाई देगी। इस तरीके से तो हॉली को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था उसके इनविजिबल होने का। यहाँ हम शेन को अटीला से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो मॉडल शेन का काफी ज्यादा ख्याल रख रही थी। वो शेन से कहती है कि तुम अटीला से जरूर जीत जाओगे, क्योंकि हारने वालों के पास तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहती। पर शेन कहता है कि अगर मैं अटीला से हार गया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। बट अब यहाँ वो मॉडल इस सवाल को काफी ज्यादा घुमाने लग जाती है, जिससे कि ये बात टल जाए। शेन को भी कहीं न कहीं अपनी गर्लफ्रेंड पर थोड़ा सा शक होने लगा था। अब हम यहाँ हॉली को देखते हैं, जो पूरी तरीके से कंफ्यूज थी कि वो आगे क्या करे। इससे पहले वो पूरी तरीके से गायब होकर एकदम लुप्त हो जाए, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए हॉली डायरेक्टली चली जाती है अपने घर पर। उसे पता चला कि उसकी बड़ी बहन ने अभी तक अपने हस्बैंड को प्रेगनेंसी के बारे में बताया ही नहीं है। उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने हस्बैंड को बताने के लिए, इसीलिए अब हॉली ने जानबूझकर अपनी बहन का प्रेगनेंसी किट उसके हस्बैंड के सामने फेंक दिया, जिसे देखने पर उसका हस्बैंड समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब हॉली की बहन के हस्बैंड ने उसे गले लगा लिया था, क्योंकि वो इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। हॉली की बहन भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब हॉली अपने भाई के पास आती है, जिसकी कंप्यूटर में एक लड़की की बहुत सारी फोटोज रखी गई थी। हॉली को पता चलता है कि उसका भाई एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं होती कि उससे जाकर बात करे। इसीलिए अब हॉली तुरंत ही उस लड़की के पास जाती है और उसे लात मारकर गिरा देती है, जिससे कि उसका भाई आकर उठा रहा था और अब जाकर उन दोनों के बीच में कुछ बातें होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हॉली ने अपने भाई की भी मदद की। अब वो अपने फादर के पास आती है, जिनकी आंखों में आंसू था। वो तो अपनी मरी हुई वाइफ की फोटो देखकर उन्हें आज भी याद करते थे। हॉली तो अब अपने फादर के साथ उसी ग्रेवयार्ड में चली जाती है, जहाँ पर उसकी माँ की ग्रेव मौजूद थी। वो उनके पर फूल डालकर अपनी वाइफ की आत्मा को शांति दे रहे थे। हॉली भी वहाँ जाकर अपने फादर को गले लगा लेती है, जिसके बाद अब वो शेन की फाइट की तरफ जाने लगी थी। शेन तो उस मैच में अपने कॉम्पिटिटर से काफी बुरी तरीके से मार खा रहा होता है। उसने जितना कमजोर समझा था वो उतना होता नहीं। कई सारे पंचेस मारने के बाद शेन तो एकदम से बेहोश ही हो जा रहा था। जब ये सारी बातें हॉली को पता चली, तब वो तुरंत ही
स्टेडियम में पहुंचकर फाइटिंग एरिया में घुस जाती है शेन को हौसला देने के लिए। वो तो बेहोश हुए शेन का हाथ पकड़कर ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम ये मैच जरूर जीत सकते हो। ताज्जुब की बात ये थी कि हॉली जो पूरी तरीके से इनविजिबल होती है वो अचानक सभी को दिखने लग गई थी। सारे सिक्योरिटी गार्ड सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की अंदर कब गई। हॉली को जल्द से जल्द स्टेडियम से बाहर निकाला जाता है और उसके पास कोई भी टिकट ना होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर दूसरी तरफ लेकर जा रहे थे। हॉली इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक थी कि सभी लोग अब उसे देख पा रहे हैं। वहाँ शेन फाइट के अंदर काफी पॉइंट्स की कमी होने के कारण आखिरकार मैच हार जाता है। शेन के हारने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड जिसे कि उसे मोटिवेट करना चाहिए था वो तो आकर शेन से कहने लगी थी कि तुम इसी लायक हो, तुम्हें हारने के सिवा और कुछ नहीं आता। और अब इन सारी चीजों से शेन को अंदाजा हो गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। शेन तो भागा भागा डायरेक्टली हॉली के पास चला गया था और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि ये मेरे साथ है। शेन को एहसास हो गया था कि हॉली उसका सच्चा प्यार है और अब तो हॉली सभी को दिखने भी लगी है, यानी कि उसने अपने इस एबिलिटी या फिर अभिशाप से ओवरकम करना सीख लिया था। शेन अब हॉली के साथ अच्छे खासे रिलेशन में आ जाता है। सब कुछ ठीक होने पर हॉली अपने फादर के सामने भी गई जो उसे पहली बार देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो तो हॉली को खुशी के मारे गले लगा लेते हैं। और इस तरीके से हमारी ये इमेजिनरी कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।